है कि आप ही की नहीं, कहीं भी आप जाओ, ये इलेक्शन की बात चल रही है, आप वीआईपी ड्यूटी में जाओ, आपको कहीं क्राइम हो गया आप वहां जाते हो, कोई किसी और ड्यूटी में जाते हो, तो आपको अपनी ड्यूटी पहले पता होनी चाहिए। यानी वो एसओपी है, ड्यूटी पता हो गई तो उस ड्यूटी में क्या करना है ये पता होना चाहिए, जो आपको करते नहीं हो। आप लोग लगता है कि हम वहां पर पहुंच गए, डंडा ले खड़े हो गए, सारा काम खत्म, ड्यूटी न समझ में आए तो वहीं पे सीओ साहब भी जाते हैं, एडिशन साहब भी जाते हैं, कप्तान साहब भी जाते हैं, इंस्पेक्टर वहां के लोकल जाते हैं, जाते हैं ना, कभी आप पूछते नहीं हो। दूसरा, आप जब उस ड्यूटी स्थल पे पहुंच के तो सबसे पहले आप सिक्योरिटी के क्या क्या मापदंड है उसको चेक कर लो, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आप इंटीरियर में हो, 5 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी चुनाव लगे हो, वहां पे मिसहैंडलिंग हो जाएगी, कोई बात हो जाती है, तो जब तक फोर्स पहुंचेगी तब तक तो आपके साथ तो मिसहैंडलिंग हो जाएगी, है ना? तो उसका उपाय क्या है? अपने जिले में तो आपको कप्तान का नंबर, इनका नंबर हो सकता हो या ना हो, थाने से उठ नहीं पाते हो, आप अपने में, अपने मोबाइल में कप्तान का नंबर, एडिशनल एसपी का नंबर, सीओ का नंबर, डीएम साहब का नंबर फिट कर लो। हो सकता है तुम हमको उसमें फोन मिला रहे हो, कहीं और इंगेज हो, तो आपको अगर एडिशनल एसपी का नंबर है तो आप इनको मिला लोगे, सीओ साहब है तो उनको मिला लोगे, इंस्पेक्टर साहब मिला लोगे, डीएम साहब मिला लोगे, यानी कि आपके पास इतने हैं ऑप्शन कि आप उनको मिला सकते हैं।